मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। माने मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, वैसे तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे जो है सीधे तौर पे करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन पढ़ाता हूँ, पर भैया मेरा मन था और कई सारे बच्चों ने इस बात को कहा था कि जो है सर कुछ अंग्रेजी की भी जानकारी उपलब्ध कराइए। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड माने जो शब्द संक्षेप होता है, माने वन लाइनर, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होगा। और आज के जो वन वर्ड हैं, इस वन वर्ड में प्यारे साथियों मैं महत्वपूर्ण जो हत्याएं होती हैं, है ना, और हत्याओं को किस नाम से जाना जाता है, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग मिलकर के सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भैया जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। सामान्य अध्ययन और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के वीडियो प्यारे साथियों बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज का वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, और जिसमें खास तौर से जो बनवर्ड वगैरह है, आज के जो बनवर्ड हैं वो कहाँ से हैं, सीधे तौर पे डेथ से संबंधित है, जो हत्याएं वगैरह होती है उसके लिए। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, MCA और MBA जो एग्जाम्स होती हैं, होटल मैनेजमेंट आदि, और नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA, CDS, CPO और बैंक आदि के लिए प्यारे साथियों जो है क्लर्क में, SSC, CGL, UPSC और UPSSC जैसी एग्जाम जो सेट अभी हाल ही प्रस्तावित है, माने जो आपका बैंक, रेलवे, SSC के लिए जो कम्बाइंड एग्जाम होना है, होने का प्रावधान है, उसमें संभावित है कि अंग्रेजी के बनवर्ड आदि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मन से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। तो आज बनवर्ड जो है वो किस आधार पे हैं प्यारे साथियों, किलिंग के हैं। ठीक है ना, किलिंग के और हत्याओं आदि के महत्वपूर्ण बनवर्ड मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। और सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए महत्वपूर्ण मैंने वीडियो डाला हुआ है YouTube चैनल पे, आप प्लीज विजिट करिएगा, देखिएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं सबसे पहले मर्डर ऑफ ए इन्फेंट। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं नंबर एक लेके चल रहा हूँ, मर्डर ऑफ ए इन्फेंट। तो दोस्तों, इन्फेंट की अगर हम बात करेंगे, ये शिशु की बात करते हैं, इन्फेंट माने शिशु होता है, अर्थात इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या बोलते हैं। यदि किसी शिशु की हत्या की जाएगी प्यारे साथियों, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम शिशु हत्या कहते हैं। इन्फेंटिसाइड वर्ड को साथ साथ नोट भी करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टर्म पे। तो अगला शब्द है मर्डर ऑफ ए किंग या क्वीन, माने राजा या किसी रानी की हत्या की अगर बात लागू होती है, उसे राज हत्या के रूप में जानते हैं, अर्थात रेजिसाइड कहा जाता है। ठीक है, अगला टर्म है साथियों मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन माने जो है किसी के बच्चे की हत्या, बच्चों की हत्या अगर होती है, उसके लिए शब्द जो होता है फिलीसाइड। प्यारे साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, तो फिलीसाइड से मतलब है एक पुत्र हत्या के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। मन से पढ़ेंगे, मन से सीखते जाएंगे प्यारे साथियों, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मर्डर ऑफ वंस मदर, माने माँ की हत्या की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है उसे मैट्रिसाइड के रूप में जानते हैं, मातृ हत्या के रूप। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले टर्म पे प्यारे साथियों, मर्डर ऑफ वंस फादर। आप देख पा रहे होंगे पिता की हत्या के लिए जो टर्म यूज होता है वह पैट्रिसाइड है, PATRICIDE। प्यारे साथियों, पैट्रिसाइड की बात कर रहे हैं, अर्थात पितृ हत्या कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। और अगली बात साथियों अगर हम करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो यह है कि मर्डर ऑफ वंस पेरेंट, मातृ पिता की हत्या, माता पिता की हत्या, तो मातृ पितृ हत्या के रूप में पेरिसाइड को जाना जाता है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। और अगला जो टर्म है वो है मर्डर ऑफ वंसेल्फ, माने व्यक्ति खुद ही अगर अपनी आत्महत्या कर लेता है तो प्यारे साथियों हत्या करता है, सुसाइड के रूप में जानते हैं। आत्महत्या नहीं करना चाहिए प्यारे साथियों, ये जो है कायरतापूर्ण कृत्य होता है, समस्याएं हैं उनका समाधान भी होता है, हमेशा हमें सकारात्मक विचारों से भरे रहना चाहिए, बस सुसाइड की करें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसी बात निकल के आ रही है कि सुसाइड जो है की गई है, लेकिन जब जांच होगी तो सही कारण का पता लगेगा, वह सुसाइड है या फिर आत्महत्या है, है ना, मतलब हत्या है या फिर आत्महत्या है,
दोस्तों बस यही है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं साथियों, 10 सितंबर को अभी हाल ही में प्यारे साथियों 10 सितंबर को मनाया गया है, कौन सा, आत्महत्या जो है रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बात हो रही है इस दिवस की, ठीक है ना। अगला है साथियों नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या, उसके लिए युक्सोरी साइट की बात कर रहे हैं। माने पत्नी हत्या कहा जाता है युक्सोरी साइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म। बढ़ते हैं अगली बात पे साथियों, अगला शब्द है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, माने बहन की हत्या, तो उसके लिए टर्म यूज होता है सोरोरी साइट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन दिया जाता है, मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, आपको सही टिक लगाना होता है, तो ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों सोरोरी साइट को आपको याद करना है, ठीक है। नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं साथियों, नंबर 9 मैंने अभी आपको बता दिया है मर्डर ऑफ मैन, ठीक है ना, मैन या वोमेन का अगर मर्डर हत्या की जाती है तो दोस्तों उसको नर हत्या के रूप में जाना जाता है, होमिसाइड, ठीक है, होमिसाइड को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला शब्द साथियों है नंबर 11 पे फोइटस की बात कर रहे हैं, और साथियों अगर हम फोइटस की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, इसे भ्रूण कहते हैं। दोस्तों भ्रूण हत्या माँ के, माने माँ के पेट में पल रहे बच्चे की की हत्या यदि कर दी जाए तो उस केस में प्यारे साथियों फोइटिसाइड वर्ड यूज होता है। और मैं आपको दोस्तों स्पष्ट कर दूं कि जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हालांकि माँ के पेट में पल रहा बच्चा, वह लड़का है या लड़की है, ये जांच करना जो है गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और आज के शिक्षित समाज की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की सभी को समान दर्जा है, माने सभी को बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, और लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, बेटियां भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। नंबर 12 पे हम लोग बात कर रहे हैं साथियों मर्डर ऑफ वंस ब्रदर की बात अगर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो वह है प्यारे साथियों ब्रदर, तो हम आपको इसमें आंसर देंगे फ्रेट्रीसाइड, माने भ्रातृ हत्या के रूप में, भ्रातृ हत्या के रूप में इस वर्ड को यूज होता है, माने भाई की हत्या की अगर बात लागू होती है इस शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर 13 पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों मर्डर ऑफ रेस, दोस्तों रेस की अगर हम बात करें ये विशेष प्रकार की जाति, माने पूरे वंश की हत्या, माने एक विशेष प्रकार की जो है समूह की हत्या की अगर हम बात करेंगे तो जीनोसाइड, और जीनोसाइड को हम लोग समझने की कोशिश करें प्यारे साथियों वंश हत्या के रूप में जाना जाता है, इसकी बात कर रहे हैं वंश हत्या के रूप में जाना जाता है। अगला टर्म है नंबर 14 पे साथियों अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, एक स्थान, एक ऐसा कब्रगाह जहां पर जो है डेड आर बरीड, माने जो मृत हैं मरे हुओं को दफनाया जाता है प्यारे साथियों, शब्द होगा सिमेट्री, और सिमेट्री का मतलब भैया जी कब्रिस्तान के रूप में जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, नंबर चल रहे हैं हम आ चुके हैं 15 नंबर पे, अ फनरल प्रोसेशन, माने यहाँ बारात के लिए होता है, कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मॉर्नर, मॉर्नर माने दोस्त मॉर्न बिलाप के लिए होता है, दुख के लिए होता है, तो एक ऐसा जुलूस जिसमें बिलाप करने वाले लोग साथ में चल रहे हों, तो प्यारे साथियों जो शोक यात्रा होती है, अंतिम यात्रा आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति की, जिसमें समाज के कुछ लोग इकट्ठे होकर के यात्रा करते हैं, तो दोस्तों इसको कॉर्टेज बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे टर्म की तो दोस्तों सब यात्रा के रूप में इसे जाना जाता है, समझ पा रहे हैं। अगली बात साथियों करते हैं, अब प्लेस वेयर द लास्ट फनरल, एक ऐसा स्थान, बच्चों समझेंगे लास्ट फनरल, अंतिम संस्कार राइट्स आर परफॉर्म, एक ऐसा स्थान जहां पर जो है अंतिम संस्कार, जो मरने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, मुर्दे को जो अंतिम जो व्यवस्थाएं हैं वह पूरी की जाती हैं, उसे दोस्तों हम कब्रिस्तान के रूप में जानते हैं, शमशान घाट के रूप, सॉरी कब्रिस्तान नहीं होगा, शमशान घाट के रूप में जो दोस्तों जानते हैं, क्रीमेशन ग्राउंड, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगली बात साथियों, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर, एक लेखा जोखा न्यूज़पेपर समाचार पत्र में, अबाउट द फनरल ऑफ द डिसीज, जो मृतक है, दोस्तों डिसीज का जो मतलब है वो मृतक है, जो व्यक्ति मृतक हो चुका है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में एक सूचना दी जाती है, ठीक है ना, एक सूचना दी जाती है, उसके लिए जो टर्म यूज होता है साथियों उसे ऑबिचरू के रूप में जानते हैं, किस रूप से जानते हैं दोस्तों, ऑबिचरी, माने इसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों, मृत्यु लेख के रूप में जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, मृत्यु लेख, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 17 हो चुका है, अब हमारे 18 पे अ पोएम, एक ऐसी कविता जो लिखी जाती है ऑन द डेथ ऑफ द समवन लव्ड एंड एडमायर्ड,
कोई प्रशंसक है किसी का या किसी का कोई चहेता है या चहेती है, यदि उसका निधन हो जाता है, उसकी प्रशंसा में उसके जो है वियोग में लिखी गई जो कविता है मृत्यु के बाद, उसे हम कहते हैं इलेजी। इसको हम शोक गीत के रूप में कह सकते हैं साथियों, क्या कह सकते हैं, शोक गीत के रूप में कह सकते हैं दोस्तों। ये वाली बात ध्यान में रखें, ठीक है। अगला शब्द है नंबर 19, वर्ड इंस्क्राइब्ड, शब्द अंकित होते हैं, है ना, ग्रेव माने कब्र पे, टॉम माने मकबरा आदि जो है, मेमोरी ऑफ द वन बरीड, एक व्यक्ति जिसको दफनाया जा चुका है उसके ऊपर जो अंकित शब्द हैं उसके लिए जो टर्म यूज होता है दोस्तों, एपिटैफ वर्ड यूज करते हैं, और एपिटैफ का मतलब ही है कब्र पर अंकित शब्द। समझ पा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला शब्द है नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। प्यारे साथियों, एक ऐसा स्थान जहां पर, ठीक है ना, डेड बॉडीज माने जो मृतक बॉडीज, मृतक जो है उनको पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है प्यारे साथियों, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको मॉर्चरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे मॉर्चरी के नाम से जानते हैं उसको, और हम कह सकते हैं मुर्दा, दोस्तों मुर्दा घर के रूप में उस मॉर्चरी को जाना जाता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, बढ़ते हैं अगली बात पे। अ प्लेस वेयर, इंपॉर्टेंट शब्द है, अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए डेड बॉडीज को जहाँ पर रखा जाता है उसे जो है शव ग्रह के रूप में जानते हैं, और मॉर्ग्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉर कहते हैं, MORGUE, याद करिएगा दोस्तों। मेडिकल एग्जामिनेशन अगली बात पे आ चुके हैं, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, मृतक शरीर का जो चिकित्सीय परीक्षण है ना, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पोस्टमार्टम, क्या कहा जाता है, शव विच्छेदन के रूप में जानते हैं, और ऑटोप्सी के रूप में भी इसको जाना जाता है। हालांकि ऑटोप्सी की दोस्तों अगर हम बात करें तो जब कैंसर की बीमारी हो जाती है तो कैंसर जहां पर भी है वहां पर मांस लिया जाता है पर्टिकुलर स्थान पे, शरीर के उस स्थान से, और जांच की जाती है, उसे हम ऑटोप्सी के रूप में जानते हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान में रखेंगे। अ साउंड ऑफ वेल्स माने घंटियां, माने घंटियों की विशेष प्रकार की आवाज, स्पेशली फॉर ए डेथ माने मृत्यु होने पर, शोक सूचक एक घंटा बजने की जो बात है माने मृत्यु होने पर घंटे के माध्यम से या घंटी के माध्यम से सूचना देना कि व्यक्ति मर चुका है या कोई शोक सूचना देनी होती है, उसके लिए दोस्तों नेल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, KNEL दोस्तों ध्यान रखेंगे, बात हो रही है नेल की, माने शोक सूचक मैंने भी बताया। अगला नंबर है दोस्तों 24, टू किल डिलाइबरेटली एंड अनलॉफुली, का मतलब यह है प्यारे साथियों कि निसंशय रूप से बहुत बुरी तरीके से मारना, ठीक है ना, जघन्य अपराध करना दोस्तों, उसको मर्डर माने हत्या के नाम से जो टर्म है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बात पे, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, अगला है नंबर 5, क्रूअल एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग, दोस्तों बड़े पैमाने पे लोगों को मारना, हत्या करना, इसके लिए एक विशेष प्रकार का टर्म होता है मास्कियर, प्यारे दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्कियर बोलते हैं, और इसको जो है नरसंहार के रूप में जाना जाता है। किस रूप में दोस्तों, नरसंहार कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 27 पे हम लोग आ चुके हैं, सॉरी 26 पे आ चुके हैं, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, मर्डर जैसा जो गंभीर अपराध है उसके लिए दोस्तों महापाप वर्ड यूज होता है, फेलोनी बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, महापाप के रूप में। 27 पे, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन ए वार, किसी युद्ध आदि में बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करना, युद्ध की बात पे लागू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्नेज बोलते हैं दोस्तों, उसको कार्नेज बोलते हैं, और हम इसको हिंदी के लिए टर्म यूज करेंगे नरसंहार, ठीक है ना दोस्तों, युद्ध आदि में ये वाली बात लागू होती है, तो इस बात को साथियों ध्यान से रखेंगे। अगली बात होती है दोस्तों 28 पे हम लोग आ चुके हैं, किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है ना, राजनीतिक कारणों से यदि हत्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हत्या बोलते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वह एसेसिनेशन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था जो सीधे तौर पे वन वर्ड से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो,
और यहीं पे मैं दोस्तों चलते चलते आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया है और वहां पर मैं आपकी साप्ताहिक रूप से फ्री ऑनलाइन एसटी कराता हूं, जो संडे को ठीक 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न होती है। अब प्लीज उस पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि सामान्य अध्ययन आपका आसान हो। और यहीं पर दोस्तों मैं चलते चलते आपको बता दूं कि उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल आदि जो है मैंने बना रखी है सोशल मीडिया के लिए। तो प्लीज आपके सामान्य अध्ययन को मजबूत करने के लिए तो प्लीज सभी जगह विजिट करिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कोई विचार अगर है तो प्लीज भैया जी ये मेल आईडी है utkarshvisionofficial@gmail.com पे आप मेल करके अपने भाव मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि मैं कुछ सुधार कर सकूं आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूं। इसलिए मेल आईडी पे जरूर अपने विचार रखिएगा दोस्तों। और चलते चलते मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, 8393992092 व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है, कन्फ्यूजन होते हैं, प्लीज आप व्हाट्सएप करिएगा, आई विल रिप्लाई सो दैट आप सिलेक्ट हों, आप एक सफल भारतीय नागरिक बने, देश का नाम रोशन करें, यही सबसे बड़ी बात मेरी इच्छा है। आपका सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।